I'm so fortunate. I'm living not just my dream, but dreams of millions and millions of girls, not just in our country, but around the world. अभी see मेरे हाथ में नहीं है कितने theatres मिले movies को, like जब release है. I don't get release date कब है, कौन सी film के साथ है, वो film को कितने theatres, कितने screens मिलेंगे, वो सब मेरे हाथ में नहीं है. जैसे केरला स्टोरी में भी नहीं था. जो मेरे हाथ में है is अगर मुझे कोई रोल मिले तो मैं इतना convincingly करूँ कि आपको लगे कि वो अदा शर्मा नहीं है, वो कैरेक्टर है. जैसे केरला स्टोरी में आपको लगे कि शालिनी उन्नीकृष्णन है, या मेरी डेब्यू 1920 में आपको लगे कि लीजा है, उसके अंदर भूत है, या बस्तर में आपको लगे कि नीरजा माधवन एक कॉप है और अदा शर्मा जो यहाँ बैठी है, ये जो लड़की है, वो नहीं है, वो कोई और है. वो मेरे हाथ में है. एंड जितना मैं डायरेक्टर के साथ वर्क करूँ शिद्दत से, मेहनत से, और जितना रियल करूँ, वो मेरे हाथ में है. बाकी का यू नो मेरे हाथ में है नहीं. बट आई हैव टू से आई एम वन ऑफ दोस वेरी फॉर्चुनेट एक्टर्स जो ऑडियंस हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट करती है. मैं जो भी रोल करूँ, मैं रोल्स की भी आप छोड़ो, आप फैशन भी, मैं कुछ भी बाल करूँ, मैं कुछ भी या मैं बिना मेकअप का रहूँ, या मैं मेरे क्लोथ्स आयर्न्ड नहीं है, मैं ट्रोल नहीं होती हूँ वो चीज़ों के लिए. बाकी बहुत हीरोइंस उनका कोई वार्डरोब मैलफंक्शन होता है या कुछ भी ना, या कोई कैरेक्टर लोग बोलते नहीं, आई वांट टू सी हर ओनली इन दिस. पर मैं सीरियस रोल भी करूं, या अब सनफ्लावर में मैंने कॉमेडी भी किया, लोग हर तरीके का रोल एक्सेप्ट करते हैं बहुत प्यार से, बहुत ओपनली. तो आई थिंक आई फील लाइक आई एम लिविंग माई ड्रीम एवरी सिंगल मोमेंट एक्चुअली. तो या दैट्स हाउ आई लुक एट एवरीथिंग. इन